भारतीय मूल के 5 अमेरिकी नागरिकों ने अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। शपथ लेने वालों में कमला हैरिस कैलिफोर्निया से पहली बार सीनेटर चुनी गई हैं। दरअसल शपथ लेने से पहले कमला कैलिफोर्निया अटॉर्नी जनरल पद पर थी। उपराष्ट्रपति जोसेफ बिडेन ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके बाद बाकी 4 भारतीय अमेरिकियों ने हाउस चैम्बर्स के सदस्यों के रूप में शपथ ली। इनमें कांग्रेस सदस्य एबी बेरा थे, जिन्हें लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। इसके अलावा शपथ लेने वाले भारतीय अमेरिकियों में सिलिकॉन वैली का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा रो खन्ना भी शामिल थे। तो वही तुलसी गब्बार्ड के बाद कांग्रेस सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ऐसे दूसरे अमेरिकी सांसद हैं जिन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग जगह बना चुकी प्रमिला जयपाल ने अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य के रूप में शपथ ली। इससे पहले प्रमिला अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पहली भारतीय अमेरिकी महिला बन चुकी है। शपथ लेने वाले भारतीय मूल के 5 अमेरिकी नागरिक डेमोक्रेट पार्टी से हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के दोनों सदनों में रिपब्लिकन का बहुमत है। प्रतिनिधि सभा में उसके 241 सदस्य हैं, जबकि डेमोक्रेट के 194 सदस्य हैं। जनसंख्या में भारतीय मूल के लोगों की महज 1% ही हिस्सेदारी है। ऐसे में कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकियों का चुना जाना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। देखते रहिए डीबी लाइव।